हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का जो अक्टूबर 2023 का। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर वाला टॉपिक। गाइस, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक दिस डे, क्योंकि एक तो ये गाइस में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पता चलेगा, तो हर तरह से इंपॉर्टेंट मुझे लगा। दैट इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे। देखो, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं रूरल टूरिज्म के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जो उसकी एक बॉडी है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO जिसको कहते हैं, अब आपके पेपर में बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से पूछा जा सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो याद रखना, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मैड्रिड, स्पेन के अंदर। 1946 में इसको प्रपोज किया गया था और इसको रिप्लेस करके, बेसिकली जो UNWTO है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके बनाया गया है। इसका नाम क्या था? यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्पेशलाइज बॉडी है यूएन की 2003 से। टूरिज्म को प्रमोट करना इसका काम है, और किस तरह से प्रमोट करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ, और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को समझते हुए। रिसेंटली इसने क्या करा है, कुछ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस को उठाया है 2023 के, और उसको अवार्ड दिया है, या कह सकते हो लिस्ट में डाला है अपनी ये वाली। तो 2021 में लॉन्च हुआ था बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO का एक इनिशिएटिव था, ताकि रूरल टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चलाया जा सके, या रूरल एरियाज़ में आप कह सकते हो टूरिज्म को कैसे बिल्डअप किया जा सके, उसके बारे में है ये। अच्छा, इस इनिशिएटिव को लेकर, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस इनिशिएटिव को लेकर तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर है बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, यानी कि इसने रिकॉग्नाइज करा आउटस्टैंडिंग रूरल टूरिज्म को, डेस्टिनेशन को इसने बेसिकली रिकॉग्नाइज करा है। एक्रीडेटेड कल्चरल एंड नेचुरल असेट्स के बारे में बात की गई है। कमिटमेंट है टू प्रिजर्व कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज, और क्लियर कमिटमेंट देना इनोवेटिव वैल्यूज़ को बेसिकली देते हुए, यानी कि जब अगर मैं UNWTO बेसिकली बेस्ट टूरिज्म विलेज को अगर सेलेक्ट कर रहा है, तो किस बेसिस पे कर रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कल्चरल ऐसा, नेचुरल एसेट्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है, या वहाँ के जो कम्युनिटी के लेवल पर बहुत अच्छे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके से कुछ चलाया जा रहा है, तो उनको और डेवलप करा जा रहा है। अच्छा, इसी में बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO अपग्रेड प्रोग्राम भी है, जिसको क्या करता है, विलेजेस को ये सपोर्ट करते हैं, ताकि वो जो क्राइटेरिया है रिकग्नाइज करने का उनको, ये ताकि ये बेसिकली अपग्रेड वाला क्या है कि इस वाले मोड पर आ जाएंगी, बेस्ट टूरिज्म विलेज बन जाए, तो उसके लिए इनको हेल्प करते हैं, जो जो भी गैप्स हैं उनके विलेज में उसको इवेलुएट करके फुलफिल करते हैं। अच्छा, थर्ड जो तीसरा पिलर है वो है बेस्ट टूरिज्म विलेज नेटवर्क के बारे में। यहाँ पर एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में, गुड प्रैक्टिसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने का, ये सारा का सारा यहाँ पर ये है कि बेसिकली बेस्ट टूरिज्म विलेज नेटवर्क उसका कैसा है, यहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा रहा है, कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंगेज होकर उसको डेवलप कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें की जाती हैं। तो याद रखना, UNWTO ने ये 2021 से शुरू करा है प्रोग्राम बेस्ट विलेजेस को रिकॉग्नाइज करने का। इसके तीन पिलर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इवेलुएट करने के लिए याद रखना 9 की एरियाज पे ध्यान रखा जाता है जब भी बेस्ट टूरिज्म विलेज निकालना है। कल्चरल नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है, सोशल सस्टेनेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे पार्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, याद रखो इस बार का पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमिंग डेज में आपका MPPCS का एग्जाम भी है, तो उसमें बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का हुआ है डिसाइड, वो हुआ है धोर्दो विलेज। धोर्दो विलेज कहाँ पर है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। यहाँ पर उसको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन पॉइंट भी मिला है। धोर्दो फेमस किस लिए है? एनुअल रन उत्सव के लिए, यानी कि वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। रन उत्सव हर साल मनाया जाता है, गुजरात टूरिज्म इसके लिए काम करता है, जिसमें उसका ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, डांस, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। याद रखो, धोर्दो जो है ये जो मुथुआ कम्युनिटी से आते हैं, सिंध के हैं ये, इनकी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो आप सामने, ये मुथुआ एम्ब्रॉयडरी है, इनकी बहुत फेमस है, इसमें इतने अच्छे स्टिचेस लगाते हैं, उसमें बड़े सारी चीज़ों से सजाते हैं उसको, मिरर से, सिल्वर ज्वेलरी से, लेदर एम्ब्रॉयडरी करके ऐसे बहुत खूबसूरत सजाते हैं ये। तो याद रखना, वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में आ जाए तो बिल्कुल आंखें खोल के पेपर में ध्यान से देखना कि वो दौड़ तो होगा वहां पर, उसी को टिक मारना है आपने। एक माटला विलेज है जिसको सिलेक्ट किया गया है अपग्रेड प्रोग्राम के लिए। अब जो MP का पेपर देने जा रहे हैं वो बच्चे बड़ा ध्यान से सुने, माटला विलेज पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है MP के। यहाँ पे रिवर कर्णावती जिसको केन कहते हैं,
वो इस विलेज से फ्लो करती है। यहाँ पर कुछ इनटेंजिबल हेरिटेज पाए गए हैं, जैसे यहाँ का जो फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, लोकल फेस्टिवल्स है, बुंदेलखंड का जो क्विजिन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आर्किटेक्चर जो यहाँ के हाउसेस का है स्टिल हैज एसेंस ऑफ, मतलब यहाँ पर लगता है वहाँ के आर्किटेक्चर को देख के कि विलेज वाला फील आता है। तो माडा विलेज कहाँ पर है आपका? पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में। दोर्दो विलेज कहाँ पर है आपका? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो गाइस पूरा आंख ना खोल के अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जब जब भी रूरल टूरिज्म के ऊपर मेंस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि देखो जी, रूरल टूरिज्म एक कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जिसमें कि रूरल लाइफ को, कल्चर को, आर्किटेक्चर को, हेरिटेज को रूरल एरियाज पे बढ़ोतरी दी जा रही है, शोकेस किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करती है? निश एरिया ढूंढती है किसी रूरल इंडिया का, इसको कैसे डेवलप, कैसे प्रमोट करना है। तो इसके तरीके से देखा जाता है कि देखो रूरल एरिया में, हमें पता है नॉन अर्बन एरिया को रूरल एरिया कह देते हो आप, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जहाँ लैंडस्केप्स और जितने लैंड यूज हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो रहा है, वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर या लाइफ स्टाइल है बहुत ट्रेडिशनल वे में है, तो उसको हम कह देते हैं कि रूरल एरिया है। अब रूरल टूरिज्म में कुछ चैलेंजेस पता है क्या होते हैं? लोग जाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो नियर बाय टाउन एरिया से कनेक्टेड नहीं है, एम्यूजमेंट फैसिलिटी कम है, इलेक्ट्रिसिटी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे ना होना एक समस्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल बैंकिंग नहीं है, कल्चरल आर्टिस्टिक जो चीज़ें वो कर रहे हैं उनकी उसको बैकिंग नहीं है, मार्केट के साथ प्रमोशन नहीं है उस चीज़ का, वहाँ पे जो मैन पावर है वो ट्रेन नहीं है। वहाँ पे जब क्या होता है कि ट्रेन ना होने की वजह से जो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है वो हॉस्पिटैलिटी और ये सब कर नहीं पाता ना ठीक ढंग से, जिस तरह से एक मांगी जा रही है, तो एक गैप आ जाता है। फिर डिजिटल इलिटरेसी की समस्या की वजह से, अब देखो वहाँ पर कोई कैश लेके मान लो नहीं जा रहा, तो वहाँ पर सिस्टम ही नहीं है ऐसा ऑनलाइन पेमेंट करने या ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज का, तो फिर क्या होगा? तो डिजिटल इलिटरेसी एक समस्या है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप इन चैलेंजेस को दूर कर लेते हो ना, तो आपका जो माइग्रेशन जब अर्बन एरियाज के लिए जाता है वो सबसे पहले कम होगा, और सब 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 सभी यही चाहते हैं कि सब जगह पर रीजनल गैप्स खत्म हो, है ना। फिर सब लोगों का कल्चर, फेथ, लैंग्वेजेस एक साथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, मार्केट बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा पब्लिक सर्विसेज का, और अल्टीमेटली वी कैन इवन कंजर्व एंड जो तो आपके हेरिटेज है उसको कंजर्व कर पाएंगे। तो इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं टू प्रमोट रूरल टूरिज्म? तो यहाँ पर गाइस ये कह रहा है नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म इन इंडिया। तो इसके लिए क्या करा जा रहा है? एक वाइब्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सेक्टर सेगमेंट तैयार किया जा रहा है। आजकल आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा रूरल होम स्टेज का आ गया है, क्योंकि लोग अपनी शहर की लाइफ से तंग आ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं वो ऑर्गेनिक फूड के लिए, है ना, इस तरह से एक ऑर्गेनिक लाइफ जीने के लिए। तो बहुत अच्छा है ये, इसकी वजह से क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होगी, और वो एरियाज में थोड़ा सा लोगों को काम वाम मिलना शुरू होगा, तो उनकी ज़िंदगी भी संवरेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या करा है, डेजिग्नेट करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट को, सेंट्रल नोडल एजेंसी है ये, और इसने विलेजेस को बेसिकली प्रॉपर साइजेस में यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है। अब देखो तमिलनाडु का जो कोल्लुकुमलाई एक हाईएस्ट टी प्लांटेशन है वर्ल्ड का, और केरला का डेवलोकाम योगा सेंटर है, पोचमपल्ली विलेज है, ये बीविंग के लिए बहुत मशहूर है, मछली महाराष्ट्र में एग्रीरियन होम स्टेज के लिए, कोकोनट बनाना प्लांटेशन के लिए बहुत मशहूर है। तो ये सब जैसे देखो यहाँ पर भी आप देखो कोंगथोंग जो है ईस्ट खासी विलेज मेघालय के अंदर है, ये विस्लिंग विलेज है। यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर एक यूनिक ट्रेडिशन है कि जिंगरवाई लेवई ऐसे ट्रेडिशन कुछ होता है, इसका मतलब होता है सॉन्ग गाना, क्लैन जो फर्स्ट वुमेन का होता है वो गाती है, सॉन्ग गाती है। कब गाती है? जैसे ट्रेडिशन है भाई जब मदर जो क्रिएटर ट्यून फॉर देयर न्यू बॉर्न, जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनका नाम भी इस तरह से रखा जाता है। तो ये सेंग खासी ट्राइब्स और खासी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया जाता है ऐसे विलेजेस को, ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए इनकरेज किया जाता है, हेल्दी कंपटीशन और प्रमोट टूरिज्म करने के लिए। तो क्योथोंग विलेज याद रखना, कोंगथोंग विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। तो कहाँ पर है ये? ईस्ट खासी हिल्स पे मेघालय के अंदर। फिर देखो अपना देश स्कीम है हमारा, वो डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए ही है, उसको अच्छा कल्चरल हेरिटेज हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यूनिटी मॉल तो याद रखना, यूनियन बजट, अब ये देखो इतने छोटे छोटी चीज़ें हैं गाइस, आपके पेपर में पूछी जा सकती है ना। तो बहुत ज़्यादा हम बच्चे सोचते हैं कि कल्चर ही तो है, कर लेंगे, यार कल्चर है तो कुछ करने का मतलब है कि अभी करो, इमीडिएट करो, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सेगमेंट को आपको नहीं छोड़ना है। तो याद रखो 2023-24 के बजट में जो मॉल सेटअप किए गए थे स्टेट कैपिटल्स में, ताकि मेजर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक सेंटर्स को प्रमोट किया जा सके, उनके यूनिक जो चीज़ें हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, उसको प्रमोट किया जा सके, वे अहेड में कह रहा है, डिजिटल लिटरेसी की बात कह रहा है।
जो इंडियन टूरिज्म का जो स्टार्टअप है एनजीओ के साथ, वो डिजिटल टूरिज्म पे काम करे, सिंप्लीफाइड करे, डिजिटल सॉल्यूशंस लेकर आए, सर्विस डिलीवरी को अच्छा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अट्रैक्ट करे। गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर सब्सिडीज दो के वहाँ के लोगों को गाइड, एडवेंचर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करो, आप कोलैबोरेट कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बुलाओ, मिनिस्ट्रीज़ को बोलो भी रूरल डेवलपमेंट में जाके सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म को अट्रैक्ट करें। मार्केटिंग जो इनकी एक समस्या होती है, इंटीग्रेट कर दो, क्या करो आप, रूरल टूरिज्म को स्टेट टूरिज्म कल्चर के साथ मिक्स करो, मार्केटिंग बिल्डिंग प्लेसेस बनाओ। तो इससे छोटे छोटे वाटर स्पोर्ट्स खोल दिए आपने, है ना, तो इससे क्या होगा, रूरल डेस्टिनेशंस की अपील बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन क्रिएट द आंसर ऑल्सो, और आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिलिट्री सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया। मिलिट्री सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया का मतलब क्या है, देखो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उद्धव, ठीक है, मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल था, इनॉग्रेशन हुआ उसका, प्रोजेक्ट उद्धव आया। अच्छा, प्रोजेक्ट उद्धव का मतलब क्या है, कोलैबोरेशन है प्रोजेक्ट का, जिसमें इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और डिफेंस थिंक टैंक है, इनके कोलैबोरेशन से बना। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है विंटेज स्क्रिप्ट्स को एक्नॉलेज करना, मिलिट्री विजडम को समझना, इनरिच करना मिलिट्री को, नॉलेज इनरिचमेंट पे बात करना, ये सारी चीज़ों की बात हुई। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटेजिक, उद्धव का मतलब ये है ओरिजिन और जेनेसिस, इंडियन विजडम्स को इंटीग्रेट करना मिलिट्री पेडागोजी के साथ, और मिलिट्री सिस्टम एंशिएंट इंडिया का मतलब है इंडिया का जो एंशिएंट मिलिट्री विजडम था उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उसमें इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट थे, स्क्रिप्चर्स हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, थिंकर्स हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, याद करो जो कौटिल्य का रियलिज्म था, तो कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा 300 BC में, तो मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता था, उसका सारा एम्फोसिस क्या होता था, ग्राउंड रियलिटीज में, ऐसे टैक्टिस उसके अकॉर्डिंग अपनाना। तो इसमें एक थ्योरी थी मंडला थ्योरी, मतलब कि नॉलेज करना डील्स विद द नॉलेज ऑफ फोर्स फ्रेंड्स एंड एलीट कंट्रीज, पॉस्टुलेट्स करना नेबर स्टेट को, उसके बाद मोस्ट लाइकली टू बी एनिमी स्टेट नेक्स्ट टू द नेम, उसके बाद डिप्लोमेसी पे ध्यान रखना। तो जो कौटिल्य ने एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस किया था कि डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, स्पाइस का इस्तेमाल, अमात्या जिसे आप कहते थे तो उसका इस्तेमाल किया जाता था, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, तो कह रहे इन सब चीज़ों का आज भी उतनी ज़रूरत है। देखो क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको कौटिल्य का क्या आज कुछ रेलिवेंस है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, तो ये उसका आंसर है मंडला थ्योरी। मंडला थ्योरी में याद रखना नॉलेज ऑफ फोर्स फ्रेंड्स एंड एलीट कंट्रीज, इमीडिएट नेबर जो है वो लाइकली टू बी एन एनिमी रियल और पोटेंशियल, स्टेट नेक्स्ट टू नेबर लाइकली टू बी फ्रेंडली, ऐसा भी थ्योरी के अंदर था। तो पूछ सकते हैं मंडला थ्योरी डायरेक्टली भी आपसे, या प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन में डाल दे कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मंडला थ्योरी, तीन आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो आप समझ रहे हो किस तरह से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, कमान दाका बाय नीतीशरा जो है ये आपका बिलोंग करता है आपका गुप्ता एज से, और फॉलो करता है अर्थशास्त्र का ट्रेडिशन। इसमें क्या कह रहा है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस, फिर स्ट्रैटेजी ऑफ उपेक्षा यानी उपेक्षा क्या है, डिप्लोमेटिक नेग्लेक्ट माया, ये सारी चीज़ों पे प्रपोज करना, आर्मी विद वुमेन कैन ऑल्सो फाइट, एक थिरुवल्लुवर वह थिरुवल्लुवर था, यानी कि इसमें एथिकल कंडक्ट दिखाया है वॉरफेयर के अगर दौरान क्या होना चाहिए, मिलिट्री कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं, अग्नि पुराना फिलोसफी है ये बेसिकली, बैटल फील्ड्स के किले कैसे काम करना है, रामायण महाभारत के जितने भी आपने झटका सुने हैं वो सब आपको देते हैं, वायुयान कितना इंपॉर्टेंट होता था उस समय पे, नॉलेज होना साइंस ऑफ, उस वक्त भी साइंस ऑफ वायु था भाई, वायु जिसने रामायण देखी है तो वायुयान का इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्या, तो रावण के तो वहां पर होता ही था उसका इस्तेमाल। फिर रेलेवेंस आज के टाइम पे देखो वही आ गया क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही हूँ कि आज भी कौटिल्य का उतना ही रेलेवेंस है गाइस, क्योंकि इंडिया आज भी रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, तभी हम स्ट्रेटेजिक मोटिव समझ पाएंगे चाइना और USA के। हमें आज भी कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कहाँ नेशनल इंटरेस्ट हमारे हैं कहाँ नहीं है, कहाँ ऑल्टर करना है कहाँ डिप्लोमेसी करनी है, विजिलेंट होना है, यानी कि जो मंडला थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि नेचुरल एडवर्सरीज हमारे साथ किसके साथ है, अलर्टनेस में रहना है। आपके एक तो बॉर्डर एरियाज पे ही आपके दो एनिमी कंट्रीज हैं पाकिस्तान एंड चाइना, उसके साथ कैसे अलर्टनेस के साथ काम करना है, थिरुवल्लुवर एथिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है कि अपनी मोरालिटी आप मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्शन की तरफ देखो। तो लीडर्स के साथ बिल्कुल ये माना जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर आए। और आज बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर सैयद अहमद खान जी के लिए, 2023 इनका 125th डेथ एनिवर्सरी का टाइम है, तो याद रखो 1870 से 1898 का फेज था इनका। सिविल सर्वेंट थे, जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, हिस्टोरियन थे।
इनके रिलीजियस व्यूज क्या होते थे, ये इस्लाम को इंटरप्रेट करते थे, वैलिडिटी समझाते थे, इजिहाद कहते हैं जिसको, हाईलाइट करना कुरानिक रिवेलेशंस और लॉज ऑफ नेचर को, डिस्कवर करना मॉडर्न साइंस को। इन्होंने ही कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट टू इन्होंने रीजन बताया था कि रिवोल्ट फ्रॉम द इंडियन नेटिव परस्पेक्टिव क्या होना, उसका पेपर इन्होंने टाइटल किया था। अलीगढ़ का जो इंस्टीट्यूट गैजेट है, यानी जो मैगजीन पब्लिश होती है साइंटिफिक सोसाइटी की, वो इन्हीं की वजह से आई थी ना, सक्सीडिंग इन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी को, इन्होंने बहुत जगाया था उस समय। तहजीबुल अखलाक, ये सोशल रिफॉर्मर थे इंग्लिश के, मैगजीन में इन्होंने देखा, अवेकन किया था लोगों के कॉन्शियसनेस सोशल एंड रिलीजियस इशूज को। ही वॉज ऑल्सो स्कॉलर ऑन क्रिश्चैनिटी एंड रोट अ बुक कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। तो याद रखना इनके बारे में, गलती से क्वेश्चन आ जाए कमेंट्री ऑन द होल बाइबल किसने लिखा है, तो याद रखना सर सैयद अहमद खान थे उसके पीछे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन असुरसन असर उस सनादत, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी ऐसे है। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर के थ्रू तो इन्होंने बहुत कमाल किया है, साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने डेवलप की थी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर, साइंटिफिक टेम्परामेंट ताकि मुस्लिम्स का बढ़े, मुस्लिम्स के लिए प्रोफिशंसी इंग्लिश लैंग्वेज में हो उसके लिए काम करा, मॉडर्न एजुकेशन को वो डेवलप कर पाए। इसीलिए अलीगढ़ में एक अलीगढ़ मूवमेंट आई थी 1875 के अराउंड, मोहम्मदी नंगलो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में आया। ही वॉज अगेंस्ट इग्नोरेंस रिलीजियस इंटॉलरेंस, और इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। नेशनल मूवमेंट के तहत उन्होंने क्या बोला, सर सैयद इनकरेज द इंडियन मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। टू नेशन थ्योरी दी इन्होंने, फिर रिकॉर्ड ऑन वुमेंस राइट्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की बात बता रहा है। सर सैयद अहमद खान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, डिसऑर्गनाइज ट्यूटर बेस होम एजुकेशन फॉर वुमेन, फोकस ऑन फैमिली रूल्स, ये सब पे उनका थोड़ा सा इनको क्रिटिसिज्म मिलता था। फॉर्मल एजुकेशन वुमेन में थोड़ा सा उनके मैरिज परस्पेक्टिव इस पर कंसर्न था, तो उन्होंने कंसर्न दिखाया था। तो सपोर्टेड जेंडर सेग्रीगेशन, पर्दा सेंट्रिक होम एजुकेशन, को एजुकेशन एंड गर्ल्स इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते थे, एक अपोज करते थे इस चीज़ को, सपोर्ट किस चीज़ को करते, जेंडर सेग्रीगेशन, पर्दा सेंट्रिक होम एजुकेशन को। तो ही डिनाउंस पॉलीगैमी, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, ठीक है। तो ये सारी बात इनके लिए याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कल्चर का, तो इसमें रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती जी की क्या हुआ, इस साल 500 यानी कि 500 बर्थ एनिवर्सरी है। कहाँ पैदा हुई थी, चंदेल डायनेस्टी, महूबा बंदा यूपी के अंदर। शादी किससे होती है, दलपाशा गोंड डायनेस्टी के थे, गरबा कटंगा, 1542 में शादी होती है। गोंड याद रखो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है जो सेंट्रल इंडिया में रहता है, और याद रखो इन्होंने गोंड डायनेस्टी में जब ये गई 1550 में, दलपाशा जी डेथ है गार्जियन ऑफ टू है ना, गार्जियन करते करते उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो अच्छा, ये कब पैदा हुई थी, इनका जो टाइम पीरियड है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रहता था इनका अकबर के साथ, तो कंटेम्प्रेरी थी मुगल एम्परर अकबर के साथ। तो अटैक इन्होंने, अकबर ने अटैक किया था गोंड एम्पायर को, तो ये हमेशा मुगल एक्सपेंशनिज्म को बहुत बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, याद रखो यहाँ पर आ जाओ, इन्होंने रिजर्वायर बनाए रानी ताल में, चेरी ताल में, अधर ताल में, फिर इन्होंने अपनी कैपिटल चौरागढ़ में मूव कर ली थी, तो स्ट्रेटेजिक सतपुरा हिल रेंज। तो जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं ना MBBS का, वो जरा ध्यान से सुन लें कैसे कैसे यहाँ पर है। फिर रिलीजियस फिगर्स भी कुछ पैटर्नाइज करा हुआ है, शी अलाउज आचार्य बिटलना टू एस्टैब्लिश अ सीट ऑफ परसुइंग कल्ट एट गरहा, कमिटमेंट टू सेकुलर गवर्नेंस है ना, विक्ट्री ओवर बाज बहादुर ऑफ मालवा, तारीख ए फरिश्ता इन्होंने लिखी थी, मेंशन किया है वहाँ पर तारीख ए फरिश्ता में। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो स्टोरी ऑफ जो दुर्गावती है वो क्रॉनिकल है अबुल फजल की, अकबर क्रॉनिकल में, ब्रिटिश कर्नल जो आपके स्लीमन थे। अच्छा, चंदेल डायनेस्टी के बारे में याद रख लो, अभी हमने पढ़ा ना चंदेल डायनेस्टी से थी, बुंदेलखंड की चंदेल डायनेस्टी को याद रखना ध्यान से। चंदेल इंडियन राजपूत होते थे, सेंट्रल इंडिया में रहते थे, इनको जिजका भुक्ति डायनेस्टी भी बोला जाता है। ननुका इसके फाउंडर थे, पेपर में पूछा जा सकता है इस बारे। प्रोमिनेंट लीडर्स थे इसके यशोवर्मन, धंगा, विद्यधारा, परमधेवा, त्रिलोक्यवर्मन। मेजर सिटीज इनकी खजुराहो थी, लेटर चेन टू महूबा। संस्कृत और प्राकृत भाषा में बात करते थे, लैंग्वेज थी इनकी। वर्णा सिस्टम बेसिस था इनका सोशली चीज़ों को ऑर्गनाइज करने का। वुमेन एज वाइफ ऑक्यूपाइड हाई प्लेस इन द फैमिली सोसाइटी में। अब खजुराहो टेम्पल के बारे में गलती से भूल मत जाना, फीचर समझो खजुराहो टेम्पल के, खजुराहो स्कूल के बेसिकली, कि 10th सेंचुरी में ये होते थे। मिड 10th सेंचुरी में इनकी थीम क्या होती थी, इराटिक स्कल्पचर्स होते थे, फ्रॉम वात्स्यन्य कामोसूत्रा को इंस्पायर थे क्योंकि, तो उससे बनाते थे। हिंदू एंड रिलीजियस आपके जैन रिलीजियस से बिलोंग करते थे, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे। 3 चैम्बर होते थे इनके मंदिर में, गर्भगृह, मंडपा, अर्धमंडपा। ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग होते थे इनके डायरेक्शन जो टेम्पल्स की होती थी। रिलेटिवली जो इनके हाई प्लेटफॉर्म्स होते थे, पंच यतना स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग थी। लक्ष्मणा टेम्पल है याद रखो विष्णु जी का, यशोवर्मन ने बनाया था। विश्वनाथ टेम्पल शिवा को दिखाता है, पार्श्वनाथ टेम्पल जैन
बिल्ट बाय दंगा। अब याद करो ये तीनों चीजें, चारों चीजें। लक्ष्मणा टेम्पल किसने बनाया? यशो वर्मन। किसको डेडिकेटेड था? लॉर्ड विष्णु को। विश्वनाथ टेम्पल शिवा को दिखा रहा है, पार्श्वनाथ टेम्पल जैन को दिखा रहा है, दोनों किसने बनाया? दंगा ने। केंद्रीय महादेवा टेम्पल शिवा ने, बिल्ट बाय विद्याधारा। सन टेम्पल महोबा, बिल्ट बाय राहिल देव वर्मन। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिच हेरिटेज ऑफ बुंदेलखंड। और इसने मल्टीपल टेम्पल्स बनाए इन साइड ऑफ कलिंजर फोर्ट। डिक्लाइन कैसे हुआ? जब आपका महमूद गजनी आ गए तो काफी कुतुब नैबक आ गए तो डिक्लाइन हो गया। इस बार का नोबल लिटरेचर शॉर्ट भी समझ लो, नोबल लिटरेचर जो आपका प्राइज मिला है लिटरेचर में 2023 का, वो किसको मिला है? तो ड्रामेटिस्ट है, नॉर्वेगियन ऑथर है, नाम क्या है उनका? जॉन फॉस। इनोवेटिव प्ले लिखे हैं इन्होंने, प्रोज लिखे हैं, विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, जो लोग कुछ बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो अकेडमी ने उनको दिया ये, और सेवरल प्लेस लिखने पर इनको दिया गया है। और ये नाइनोर्स को वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वे, उसमें लिखा था। 11 मिलियन इनको स्वीडिश क्रॉनर मिले हैं। वाइडली सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड होता है ये, 116 टाइम दे चुके हैं, 120 आपके नॉवल लॉरस में। तो रिसेंट प्राइज जो आपके मिले हैं, गॉन टू फ्रेंच आपके एनी फ्रॉन्क्स 2022 में मिला था, तेंजेरी नॉवलिस्ट। अब देखो क्या होता है, इस बार तुम्हारा एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस में नोबल प्राइज से आने वाला है, तो जरा अच्छे से समझ लो। हो सकता है वो 2023 का दें, हो सकता है वो 2022 का भी दें, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो याद रखना लिटरेचर में 2022 में एनी फ्रॉन्क्स को मिला था, तांजेनी नॉवलिस्ट वो उनको 2021 में मिला था, ठीक है। अबाउट टोटो लैंग्वेज, टोटो लैंग्वेज प्रिमिटिव एंड आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बोली जाती है। 1600 इनकी पॉपुलेशन है, लैंग्वेज इनकी टोटो है। टोटो पारा जो है ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में मिलते हैं, इनकी बॉर्डर लाइन भूटान और वेस्ट बंगाल के बीच में, टोरसा रिवर यहाँ से जा रही है। सिंडोर साइनो टिबेटन फैमिली से बिलोंग करता है, इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, याद रखना। धनी राम जो है इनका, इन्होंने टोटल लैंग्वेज स्क्रिप्ट को क्रिएट करा है धनी राम, और उन्होंने ही अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो इसी को ना पद्मश्री मिला है टोटो अल्फाबेट्स के लिए, ठीक है, याद रखना धनी राम। अच्छा, उसके बाद GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में, किस चीज़ को? याक चुरपी को। पहला एवर याक मिल्क प्रोडक्ट है ये, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का। नेचुरली फर्मेंटेड चीज प्रिपेयर की जाती है यहाँ पर इससे, हाई एल्टीट्यूड जहाँ अरुणाचल प्रदेश का है वहाँ, प्रोटीन में रिच होता है, वेजिटेबल्स का सब्सटीट्यूट है, मीट कड़ी का सब्सटीट्यूट है, और इसके साथ राइस ऐसे सब खा सकते हो आप, रिटन विद राइस स्टेपल फूड की तरह खाओ आप। GI टैग मिला है कंजर्वेशन को, किसको? कि इसका बहुत जरूरी है याक का कंजर्वेशन, याक का पैस्टुरलाइज करना, तो अरुणाचल याक्स देख लो, ट्राइबल याक पैस्टुरलाइज को रियर करते हैं, जिसको ब्रोक पास बोलते हैं, जो उनका ध्यान प्यान करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो ब्रोक पास बोलते हैं। अच्छा, माँ दंतेश्वरी टेम्पल छत्तीसगढ़ में है, याद रखना, पेपर में आ सकता है माँ दंतेश्वरी टेम्पल, रिसेंटली इन द न्यूज इन दिस स्टेट, है ना, तो छत्तीसगढ़ में है। सिक्स आर्म्ड महा सम सुरमंदनी दंतेश्वरी, ब्लैक स्टोन से काफ किया हुआ है, शक्तिपीठ है, टोटल 51 है इंडिया में, कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है रिवर संखिनी और दंकिनी में, कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय रूलर ऑफ चिंदक नवगवेंशी, तो ये सारा ठीक है। उसके बाद याद रखना टेम्पल वॉज रिनोवेटेड बाय अन्ना देवा, ब्रदर ऑफ प्रतिपुत्रा और काकेती डायनेस्टी से थी। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में समझ लो, अल्लाह बख्श महाराजा जयसिंह का कोट पेंटर थे ये। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, महाराजा जयसिंह के कोट पेंटर कौन थे? नीचे ऑप्शन होंगे, अल्लाह बख्श पे टिक मार देना। इन्होंने महाभारत और 4000 मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स को दिखाया है, मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग राजस्थानी स्टाइल में डेवलप हुई है मेवाड़ राजस्थान के अंदर। अच्छा, इसमें क्या है, मेवाड़ स्कूल का इमर्जेंस है, रागमाला पेंटिंग्स हैं, ठीक है। 18th सेंचुरी में मेवाड़ पेंटिंग शिफ्ट टूवर्ड्स कोटली एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स, नाथ द्वारा स्कूल इज अ सबसेट ऑफ मेवाड़ पेंटिंग्स, सिंपल ब्राइट कलर और डायरेक्ट इमोशनल अपील देते हैं ये मिनिएचर पेंटिंग, बड़ी स्मॉल फाइनली बड़े अच्छे से बनाई गई होती है, प्रिपेयर की जाती है कार्ड पे कॉपर आइवरी का इस्तेमाल करते हुए। मेवाड़ के जो स्कूल के आर्टिस्ट हैं वो साहिबुद्दीन हैं, मनोहर हैं। राजस्थानी पेंटिंग की बात करोगे तो डिफर्स फ्रॉम द मुगल पेंटिंग, उसके जो बॉर्डर कलर्स वगैरह एब्स्ट्रैक्ट हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं जो राजस्थानी पेंटिंग को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पैटर्नेज है रिच राजपूताना कम्युनिटीज का, और रिवाइवलिज्म के बारे में दिखा रहा है, ठीक है ना, लाइक मालवा पेंटिंग, जयपुरी पेंटिंग, ये सारे के सारे याद रखो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के बहुत सारे स्कूल्स हैं, मालवा स्कूल है, जयपुर है, बूंदी है, कोटा है, क्योंकि देखो राजस्थान इज अ कल्चरल स्टेट, राइट, पेंटिंग वगैरह वहाँ खूब होती है। लास्ट शॉट है, ध्यान रखो, 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? खूब न्यूज में आया था, खूब इंटरव्यू सुने होंगे आपने, खूब रीले देखी होंगी, मिस वहीदा रहमान को ऑनर किया गया है, गाइड फिल्म की हीरोइन आपको याद है तो वो वही है। हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है इन द फिल्म इंडस्ट्री, और ये याद रखो ये डायरेक्टेड किया जाता है बाय फिल्म फेस्टिवल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहली बार ये अवार्ड 1969 में दिया गया था,
किस एक्ट्रेस को? देविका रानी जी को। फिर ये कमेमोरेट करा गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा में। डायरेक्टेड फुल लेंथ फीचर फिल्म पहले दिया गया था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ये अवार्ड में मिलता क्या है? स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस मेडेलियन शॉल, कैश प्राइज ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आर कल्चर पोर्शन। प्लीज रिवाइज इट थॉरली बिकॉज आई हैव गिवन यू सो मेनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल पी जाओ उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।